नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम शोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और साथियों, अपडेट है कि एडमिशन 2020-21 के जो फार्म भरवाए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनकी मेरिट लिस्ट लगनी थी। यानी कि साथियों, पहली मेरिट लिस्ट लग चुकी है। जो बच्चे फीस जमा करवा दी हैं जिन्होंने, उनका एडमिशन फाइनल हो चुका है। उसके बाद कुछ सीटें खाली रहती हैं जिसको लेकर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो उस मेरिट लिस्ट के अपडेट देने के लिए मैं आपके बीच पहुंचा हूं। यदि आप एडमिशन से संबंधित कोई भी छात्र है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि एमडी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे स्ट्रिक अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। साथियों, सबसे पहले आपको एमडी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट md.ac.in पर जाना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा या फिर आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हो। और लिंक पर डायरेक्ट जाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लें। डेस्कटॉप मोड के पर करने के बाद यहाँ आपको 3 लाइन्स शो होंगी। इन ट्रिपल लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, साथी क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब्स खुलकर ओपन होंगी। इनमें से आपको क्या करना है कि जो एडमिशन का जो ऑप्शन है नीचे से 2 नंबर का, इस पर क्लिक करना होगा। एडमिशन पर आपको क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको थोड़ा नीचे चलना होगा। नीचे चलोगे तो ये कई तरह के मतलब बॉक्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसमें रेड वाला जो बॉक्स है, इसमें एडमिशन मेरिट लिस्ट की जानकारी दी गई है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करते ही आप देख पाओगे कि भाई यहाँ नीचे 4 सितंबर की डेट के अंदर 3 से 4 मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं, जो काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ के लिए फार्म भरा गए थे उन सभी का विवरण कर रखा है। 7 से 8 लिस्टें हैं साथियों। तो बात करें किस किस कोर्स की है, यहाँ सबसे पहले एक नंबर पर बात करूँ तो BEETM 4 ईयर का कोई कोर्स है, इसके लिए सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर सेकंड प्रोविजनल मेरिट, यानी कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई गई है, कोर्स का नाम आप देख सकते हो MHMCT। नीचे इसी प्रकार 3 नंबर पे इन्होंने BHMTC के लिए जो 4 ईयर का कोर्स है, इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी की है। 4 नंबर की यदि बात करें साथियों, तो MBA 5 ईयर के लिए इन्होंने सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जारी की है। 5 नंबर की बात करें तो MA इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, उसके लिए सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है। 6 नंबर की बात करें तो साथियों, यहाँ भी सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट MFA पेंटिंग से संबंधित 6 ईयर का कोर्स उसके लिए जारी की गई है। और इसके जस्ट नीचे 7 नंबर की बात करें तो MA ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए भी इसको जारी किया गया है। 8 नंबर की यदि बात करें तो BLLB 5 ईयर कोर्सेज ऑनर्स के लिए जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी किया गया है। 9 नंबर की यदि बात करें साथियों, तो MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए भी यहाँ मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। ये सब मेरिट लिस्ट आपको 4 सितंबर की डेट में यहाँ अनाउंस की गई हैं। और इनके जस्ट बाद आपको सेकंड, अभी ये प्रोविजनल है, उसके बाद आपको जो ओरिजिनल लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी। ओरिजिनल लिस्ट जारी होने के बाद आपको अपना जो एडमिशन का शेड्यूल है उसकी फ़ीस जमा करानी होगी। और जो जो विद्यार्थी फीस जमा कराएंगे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, उन सभी का एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे। साथियों, सामने डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको प्रोविजनल लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट का इंतजार करना होगा। जिन जिन बच्चों का नाम यहाँ मेंशन किया गया है, लिस्ट की PDF फाइल कोर्स वाइज इन्होंने डाल रखी है। कोई PDF 2 से 3 पेज की है, कोई 1 पेज की है, कोई ज़्यादा पेजेस की है। तो साथियों, एक बार ज़रूर इसको चेक कर लें। और यदि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आप फाइनल लिस्ट का इंतजार करें। 1 से 2 दिन के अंदर फाइनल लिस्ट डाल दी जाएगी, उसके बाद आपको एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करानी होगी। साथियों, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपको उसकी सूचना दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों।